नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा पर बीजेपी का मंथन, छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की तर्ज पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी चौंकाने की तैयारी में है। भाजपा तय समय से पहले छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। इधर भारतीय जनता पार्टी जहां प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट तैयार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता जाने के सदमे में से नहीं उभर पाई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की उन 5 सीटें बस्तर, कांकेर, जांजगीर चांपा, राजनंदगांव और कोरबा जहां भाजपा कमजोर है, उन पर जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का राशन कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, बढ़ाई आवेदन की तिथि। हितग्राही 25 फरवरी की जगह आप 15 मार्च तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे। सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्राथमिकता से कर सकें। निर्देश के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाइन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 15 मार्च तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। मार्च में छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों से किए गए चुनावी वादे को एक एक करके पूरा करते दिख रही है। राज्य सरकार आचार संहिता से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3100 रुपये धान का दाम देने का वादा अब पूरा होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि MSP के अतिरिक्त 917 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। 26 लाख किसानों को एकमुश्त राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिए पीएम मोदी का ऐलान, हर घर बनेगा सूर्य घर, अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने ही लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस संकल्प यात्रा की शुरुआत रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का केंद्र बनाने का वादा किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरौदा भिलाई में 280 करोड़ रुपये के 50 मेगावाट रेलवे सोलर प्लांट पावर प्लांट का लोकार्पण किया गया। जाम से मिलेगी राहत, अमेरी फाटक पर 11.52 करोड़ की लागत से बनेगा अंडरब्रिज। गुरु अमेरी समेत आसपास के रहवासी रेलवे फाटक में नहीं फंसेंगे और ना जाम की वजह से परेशानी होगी। यहां 11.52 करोड़ की लागत से जल्द अंडरब्रिज का निर्माण होगा। अंडरब्रिज के आधे हिस्सा का निर्माण रेल और आधे को राज्य सरकार पूरा करेगी। खुशी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को इसकी भी वर्चुअल आधारशिला रखेंगे। इसके बाद काम की शुरुआत कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने रायपुर में शुरू की नई लैब, अब खाने पीने की चीज़ों में बीमारी वाले बैक्टीरिया की होगी जांच। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब खाने पीने की चीज़ों में बैक्टीरिया की जांच हो सकेगी। अब तक केमिकल्स की जांच की सुविधा थी, ये नई सुविधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर की इस लेबोरेटरी को लॉन्च किया। जल शुरू होगा डबरापारा फ्लाई ओवर ब्रिज, ट्रैफिक पुलिस और इंजीनियर की निगरानी में किया गया 1 घंटे का ट्रायल। भिलाई से रायपुर के बीच नेशनल हाईवे 53 पर बन रहा डबरापारा फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस और निर्माण एजेंसी के इंजीनियर्स की निगरानी में ब्रिज का 1 घंटे का ट्रायल किया गया। ट्रायल में सब कुछ ठीक रहा। 1 मार्च से भिलाई से रायपुर की तरफ जाने वाली लेन को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। पूर्व सीएम बघेल ने सामूहिक कन्या विवाह को लेकर सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। राज्य सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लापरवाही और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सामूहिक कन्या विवाह में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों की शादी कार्ड बढ़ गए, चुलमाटी से लेकर मंडप और मेहंदी तक की रस्में हो गई, लेकिन सरकार की ओर से फंड जारी नहीं करने के कारण विवाह रद्द करना पड़ा। उनका कहना है कि भिलाई के चरौदा में 14 और 22 फरवरी को 90 से अधिक जोड़ों के विवाह फंड के अभाव में घोषित तिथि के दिन रद्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आए कथित शराब घोटाले के सिलसिले में 2 पूर्व IAS अधिकारियों और कुछ व्यापारियों सहित 13 लोगों के परिसरों पर छापेमारी की। एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बिजनेसमैन का परिसर भी शामिल है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़, 3 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। कांकेर के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एल ए सेला ने बताया कि जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी, तभी कोयली बेड़ा क्षेत्र के एक जंगल में ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि अब तक 3 नक्सलियों के शव और 2 हथियार बरामद किए गए हैं। अभियान अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 34 ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 34 ट्रेनों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रद्द किया है। इसके साथ ही 2 ट्रेनों का रूट बदला गया है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बिलासपुर मंडल के अंतर्गत शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री NI और NI का काम किया जाएगा। सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में भ्रष्टों पर कसा शिकंजा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विष्णुदेव साय सरकार एक्शन में आ गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में संलिप्त अधिकारी और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश दी। जानकारी के अनुसार EOW और ACB की टीम राजधानी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही दस्तावेज खंगाल रही है। रायपुर में अचानक फैली डायरिया बीमारी, अब तक 60 लोग बीमार। साजा ब्लॉक के ग्राम डगनिया में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। यहां 60 से अधिक ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ गए हैं। उल्टी दस्त से पीड़ित 24 ग्रामीणों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल थान खमहरिया व जिला अस्पताल बेमेतरा में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों में बच्चे भी व महिलाएं भी शामिल हैं। साजा BMO डॉक्टर अश्विनी वर्मा ने बताया कि गाँव में उपचार के लिए कैंप लगाया गया है। कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जल्द मिल सकती है खुशखबरी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड लोगों के लिए महंगाई राहत भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में DA/DR 46% की दर से मिल रहा है। ये दर 50% होते ही केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिनों प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। रायपुर समेत प्रदेश के बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। प्रदेश में शुष्क हवाओं के आगमन से अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।